नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है, स्टीव स्मिथ T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि कोहनी की चोट से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनकी शीर्ष प्राथमिकता है और वह इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के लिए फिटनेस बनाए रखने की कवायद में T20 विश्व कप से बाहर रहने को तैयार है। 32 वर्ष के स्मिथ ने कोहनी की चोट के कारण वेस्ट इंडीज के सीमित ओवरों से दौरे से वापसी ले लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहली के आलोचकों पर बरसा पाकिस्तानी दिग्गज, बोला जिसने गली टीम की कप्तानी नहीं की वो विराट को सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने भारत के कप्तान के रूप में आईसीसी खिताब नहीं जीतने के लिए विराट कोहली पर उंगली उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। वो अपना काम जानते हैं और जो उन्हें कप्तानी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विराट ने भारतीय टीम के लिए क्या किया है और वो किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका दौरे को बीच में ही छोड़ देंगे पृथ्वी, कोहली एंड कंपनी को इसकी परिशौ की जरूरत है। जी हाँ, विराट कोहली की अगुवाई टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा है। भारतीय सलामी बल्लेबाज गिल भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं अब टीम शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट की को खोज रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहित शर्मा फिर बने पत्नी रितिका की ट्रोलिंग का शिकार, सोशल मीडिया पर फैंस देने लगे सलाह। जी हाँ, हम आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले खिलाड़ी फिलहाल छुट्टी पर हैं। रोहित भी परिवार के साथ अलग अलग जगह घूम रहे हैं, जहाँ की तस्वीर वह अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। रोहित की पत्नी रितिका हमेशा से ही रोहित को ट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। एक बार फिर वो सोशल मीडिया पर उन्होंने रोहित के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कुछ ऐसा लिख किया। जी हाँ, रोहित की जो पत्नी है रितिका ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें वह रोहित के साथ नजर आ रही है। तस्वीर में रोहित के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं है। ऐसे में रितिका ने कैप्शन में लिखा कि इन्हें कोई बताए कि मुस्कुराना कूल होता है। इसके बाद फैंस रोहित को यही सलाह देने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 41 साल के हुए हरभजन सिंह, जानिए कैसे पड़ा टर्मिनेटर नाम। जी हाँ, भारत टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह का आज जन्मदिन है। हरभजन सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हरभजन सिंह ने 2007 T20 विश्व कप और 2011 विश्व कप में भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन हरभजन सिंह को साल 2001 में स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। हरभजन सिंह ने अकेले दम पर दिग्गजों से भरी टीम के बेमिसाल प्रदर्शन करके भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें।